नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि क्यों 90% पीपुल जो है फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते हैं। उसके अंदर जब घुसेंगे तो पता चलेगा ये जो रीज़न है ना, सबसे बड़ा रीज़न है महंगाई। तो इस वीडियो को हम पार्ट वन और पार्ट टू में कवर करेंगे। पहले जो सब जानना चाहते हैं पहले इसके बारे में कवर करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं कि आज से काफ़ी सालों साल पहले 100 रुपया जब लेके जाते थे तो पूरे एक महीने का राशन बैलगाड़ी में भर के लेते थे। अब पूरा परिवार लोग छक्के खाते थे। आज दिन ऐसा आ गया है कि बच्चे को बोलते हैं 100 रुपया देते हैं और 2 किलो टमाटर लेके आ जाओ, बस इतना ही होता है। और कभी एक ज़माने में पूरा बैलगाड़ी भर के एक महीने का राशन पूरे परिवार के लिए आ जाता था। तो इसी पे मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि आज से 20 साल पहले आपके शहर का जो भी अमीर व्यक्ति था, आज वो अमीर नहीं है। और आज जो अमीर है, 20 साल के बाद देखेंगे तो वो अमीर व्यक्ति नहीं होगा। उसके पीछे क्या है? महंगाई। तो इसको कैसे समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास आज से 20 साल पहले 1 करोड़ रुपया था। जिसके पास 1 करोड़ हो गया वो शहर का उस समय सबसे अमीर व्यक्ति होगा। तो इसने ऐसा सोचा कि मैं 20 साल और जीवन यापन करने के लिए है, उसके बाद ऊपर चले जाएंगे। तो उन्होंने ये किया कि उनका खर्चा लगभग 40,000 रुपये पर मंथ है। तो उन्होंने 1 करोड़ को 20 साल का प्लानिंग किया तो 240 मंथ, लगभग 250 मंथ। 1 करोड़ को 250 मंथ से 250 से डिवाइड किया तो 40,000 रुपये पर मंथ आया। कि 40,000 रुपये पर मंथ यदि मिलते रहे तो 20 साल तक जीवन यापन हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, 250 रुमाल मंगवाया, उसमें 40,000 रुपया 40,000 रुपया सब में भर करके बांध बांध के रखता गया। जैसे जैसे मंथ बीतता गया, हर महीने वो इसी तरह से खर्चा किया, रुमाल निकाला, 40,000 खर्चा हुआ, चलो आगे बढ़ो। फिर अगले महीना ऐसे ऐसे करते गए। 2 साल के बाद जो 40,000 रुपये में काम चल रहा था, उसके अगले साल पता चल रहा है कि 50,000 खर्चा हो रहा है। जो पीछे 40,000 में जीवन यापन हो रहा है, अब 50,000 करना पड़ रहा है। तो दूसरे रुमाल से भी 10,000 रुपये निकालना पड़ रहा है। फिर 2 साल के बाद देखा कि अब 50,000 में भी काम नहीं चल रहा है, 60,000 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। दूसरे तीसरे रुमाल से भी थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना पड़ रहा है। इस तरह से करते 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 पता चलता है कि 15 साल में वो 1 करोड़ रुपया सुहा हो जाता है। सोचा तो था 20 साल चलेगा पर 15 साल में ख़त्म। फिर ऐसा दौर आता है हम सबके ज़िंदगी में कि अंतकाल में अगर ज़िंदा बचे 5 साल 10 साल 15 साल, और भगवान अगर ज़्यादा मेहरबान हुए, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो 20-25 साल अगर जिए तो पैसा हाथ में है ही नहीं। तो हो गया ना, 20 साल पहले जो अमीर थे आज वो अमीर नहीं है, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। अब बात होता है कि भैया हम तो रुमाल में पैसा बांधेंगे नहीं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। चलो बिजनेस का बात करते हैं। तो आपने देखा नहीं है शहर में किसी बिजनेस 20 साल पहले एकदम तूती बोलता था उस शहर में, आज वो कहीं नहीं है। हमने तो बहुत देखा है, 10 बिजनेसमैन को देखा है कि आज वो कहीं नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। जो घर बनाया था आज से 20 साल पहले आलीशान, अब उसमें पेंट करने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसा देखा होगा। होता क्या है, जब बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस को फैलाते गए, 10 दिशाओं में बिजनेस फैला दिया। अब जब एक समय आता है कि ऊपर से जब डंडा बरसता है, बोलते भाई चलो बुलावा आया है। जब बुलावा आता है तो बिजनेस तो फैला के रखा है ना, जिसके जिसके हाथ में बिजनेस है, जिस मैनेजर के पास, वो उसका अपना हो गया। ये बेचारा तो गरीब हो गया, इसको बुलावा भी आ गया, ये सारे लोग अमीर हो गए। तो इस स्थिति में करना क्या है, जब आपका अच्छा समय हो तो स्टैंड बाय सोर्स अपने जीवन यापन के लिए बनाना है। घर है, जमीन है, गाड़ी है, मर्सिडीज है, BMW है, सब है। लेकिन एक सोचो कि एक समय में सब अचानक से चला जाए, तो एक स्टैंड बाय सोर्स होना चाहिए जहाँ से आपको जीवन यापन करने के लिए किसी से मांगना ना पड़े। इसके लिए मात्र 10% जितना भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस से, सबसे उसका 10% आप राइट डायरेक्शन में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और अगर राइट डायरेक्शन का बात करें तो धरती पर अभी तक मचमच फंड से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, और उसमें भी SWP, वहाँ से पेंशन लेंगे तो कैसे लेंगे इसका एक लाइव रिकॉर्ड दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है बैलेंस कैटेगरी, StarSIP.in का वेबसाइट लाइव हो गया है, ऐप आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। StarSIP वेबसाइट में जाके आप सारा ये विदाउट लॉगिन किए हुए सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो हमने 14 नंबर पे, यहाँ पे सारे कैटेगरी हैं, हमने 14 नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, हाइब्रिड एग्रेसिव बैलेंस फंड में 10 लाख रुपया रखा और 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। आज 10 लाख रखा और 6,000 रुपये लेना शुरू किया। पिछले 10 साल का पहले रिकॉर्ड देखते हैं। और हमने यहाँ पे AUM सेलेक्ट किया है परसेंटेज वाइज ने,
एयूएम भाई, एसेट अंडर मैनेजमेंट, किस फंड में कितना पैसा है? तो यहाँ पे देखते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में 54,000 करोड़ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 21,000 करोड़ है, एचडीएफसी में 18,000 करोड़ है। मैं बोलता भी हूँ बैंक वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, सेफ सेफर सेफेस्ट। इतना ज़्यादा पैसा है कि भागेगा तो कहाँ जाएगा, पूरे पृथ्वी को कहीं भागना पड़ेगा, मंगल ग्रह पे, सूर्य ग्रह पे, कहाँ भागेगा, सब कुछ यहीं पे है, तो भाग के जाएंगे कहाँ। तो अब देखते हैं कि 10 लाख रुपया यहाँ पे लगाया और 6,000 पे लेना शुरू किया 2013 से लेके अब तक, 2023 का रिकॉर्ड है, 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, 10 लाख रखा, इमीडिएट लेना शुरू किया, तो टोटल पैसा विड्रॉ कर लिया 10 साल में 7,20,000, और आज बैलेंस बचा हुआ है 23,70,000। मतलब वो 10 लाख बढ़ के भी 23 लाख भी हो गया और पेंशन तो ले ही लिए 7,20,000, टोटल जोड़ते हैं तो 30,90,000, 10 लाख का जो खाया और जो बचा दोनों को जोड़ते हैं 30,90,000, 14% का रिटर्न मिला है। अगर आईसीआईसी का बात करें तो मिलेगा तो उतना ही, 7,20,000 यहाँ भी मिला था, 7,20,000 यहाँ भी मिला था, यहाँ पे बैलेंस बचा है 28,68,000। जबकि एचडीएफसी का बात करते हैं तो 26,25,000 बैलेंस बचा है, 15% का रिटर्न है। ये मैंने 10 साल के लिए बात किया। अब हम यहाँ पे नाटक चेंज करते हैं, 10 साल की जगह 15 साल करते हैं और सबमिट कर देते हैं। वही 10 लाख रुपया, वही 6,000 रुपया एम वाइज, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है ऊपर। अब यहाँ पे नाटक चेंज हो गया, 6,000 रुपये पर मंथ, 15 साल में 10,80,000 खा लिया, बैलेंस बच गया 21,35,000, रिटर्न थोड़ा कम हो गया 10.95। उसी तरह कौन सा फंड है यहाँ पे, आईसीआईसी, इसका बचा 28,70,000, 12% का रिटर्न। एचडीएफसी में 14% के रेट से 39,97,000। अब और नाटक चेंज करते हैं, 15 की जगह हम डायरेक्ट 25 साल कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, और एएम वाइज भी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है वो ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं कि 98 में 10 लाख रुपये रखा था और 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, तो 18 लाख वापस ले लिया, लगाया 10 लाख था, 18 लाख उससे ज़्यादा, मूलधन से ज़्यादा खा भी लिए। अब बैलेंस बचा है 60,47,000, 11% का रिटर्न। अगर आदित्य बिरला इक्विटी हाइब्रिड 95 का बात करें, ये भी 98 में किसी ने यहाँ पे झोंका पैसा 10 लाख रुपया, तो 18 लाख रुपया 6,000 रुपये के दर से ले लिए। एच डब्ल्यू पी सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान 6,000 पर मंथ, 2023 तक अब तक 4,67,00,000 रुपया बैलेंस बचा है अब, और खाया कितना था 18 लाख रुपया, बैलेंस कितना बचा है 4,87,00,000, 19% का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। जबकि एसबीआई ने 11% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। पीछे बात करें, पीछे अगर कब से कब तक, 98 से लेके 2023 तक, तीसरा फंड कौन सा आता है, यूटीआई हाइब्रिड। यहाँ पे 98 में 10 लाख रखा था तो 6,000 रुपये लिया, 18 लाख ले लिया, 1,30,00,000 बैलेंस बचा हुआ है, दोनों को जोड़ते हैं तो 1,48,00,000, 14% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो इस तरह से स्टैंड बाय पैसा यहाँ पे लगाना है, तो आप महंगाई से हमेशा लड़ते रहेंगे और टॉप के अमीर आदमी उस शहर में हैं तो आगे भी बरकरार रह सकते हैं, इसका संभावना है। नहीं बरकरार रहें कोई मतलब नहीं कि टॉप रहें, क्या रहें नहीं रहें, उससे मतलब नहीं है। हमें अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ कुछ पैसे हैं वो आना चाहिए। वो अमीर हो गया, वो अमीर गया, उसका घर के बगल में बड़ा बिल्डिंग बन गया, ये सबसे दुखी नहीं होना है। हमें जीवन यापन करने के लिए पैसा मिलना चाहिए, उसी में हमको संतोष है। अब ये सब तो हुआ पार्ट 1, अब पार्ट 2 का बात करते हैं। ये महंगाई वर्ड पहली बार कहाँ से आया होगा धरती पे? जब भगवान ने धरती बनाया होगा तो उसी समय से तो महंगाई नहीं आया होगा, महंगाई कहीं से आया होगा, चालबाजी देखते हैं। अब इस चालबाजी को अगर समझना है पार्ट 2 में, तो 10,000 साल पहले एक राजा हुआ करता था। वो राजा बोलते हैं इस टापू पे, एक टापू है, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, बोलते हैं तुम सब लोग हमारे प्रजा जो भी काम करके आओगे, और वो काम अगर अच्छा हुआ, हमारे अनुयायी देखेंगे अच्छा हुआ, तो एक काला पत्थर देंगे और उस काला पत्थर से सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हो, आपका जीवन यापन होगा। काला पत्थर दोगे 1 किलो आम मिल जाएगा, काला पत्थर दोगे लीची मिल जाएगा, काला पत्थर दोगे बैलगाड़ी से यहाँ तक वहाँ पहुँचा देगा, काला पत्थर दोगे इंटरटेनमेंट कर देगा, इस तरह से करके शादी ब्याह में कुछ करना है, टेंट लगाना है, तंबू गाड़ना है, जो करना है काला पत्थर दोगे सब काम होगा, सारे जीवन यापन करने के लिए काला पत्थर। लेकिन बदले में काला पत्थर हम देंगे, कोई शर्त नहीं है,
कुछ ना कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा कि इस टापू को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। राजा ने ऐसा नियम बना दिया, सब लोग उसमें लगे हुए हैं। फिर राजा चले गए, राजा का बेटा आया, वो भी इसी प्रथा पे चलते रहे, नियम कानून पापा जी ने बना दिया था, चलते रहे। फिर ये बेटा, उनका बेटा, इस तरह से करते गए। ऐसे करते करते वो टापू जो है सोने की चिड़िया बन गई भाई। फिर एक बेटा जन्म लिया, बोला मैं जो बेटा जन्म लिया हूँ ना, उस सबका बाप हूँ। पीछे जितना राजा बाजा हो गया, बंद करो सब नियम कानून, ये सब नहीं चलेगा कि काम करके आओगे, देखूंगा, पत्थर दूंगा, सब नाटक बंद, ये सब नहीं होगा। कोई देखेगा नहीं, निगरानी फिगरानी कुछ नहीं, हटाओ सब, सारा पत्थर वापस करो। गांव का सारा पत्थर, टापू का सारा पत्थर, काला पत्थर अपने पास रख लिया। राजा फिर मीटिंग बुलाया, बोला कौन कौन व्यापारी है, कौन कौन बड़ा बड़ा काम करता है, उसको हम कर्जा देंगे। ये कर्जा कर्जा क्या है, ये कर्जा कर्जा, ये वाला टीप। तो राजा ने 10 आदमी को चुना, बोला आप व्यापारी करोगे, व्यापार करोगे, आम बेचो, लीची बेचो, टेंट जगाड़ो, बाजा बजाओ, जो भी करना है, ये 10 आदमी। तो पहली बार इस 10 आदमी को 100-100 काला पत्थर दिया, और बोला बदले में 10% का ब्याज है, तो आपको 10% ब्याज की दर से 110 पत्थर लौटाना है। सारे व्यापारी ने सोचा इसमें कौन सा बड़ा बात है, कमा के 110 पत्थर लौटा देंगे। तो 100-100 पत्थर 10 लोगों को दिया, तो 1000 पत्थर मिल गया। अब राजा को लेना है 1100 पत्थर। पूरे टापू पे 1000 पत्थर ही दिया, 10% के दर से उनको लेना कितना है कागज में लिखित में 1100। अब सारा व्यापारी सोचने लगा कि भाई हमको तो 110 लौटाना है, तो कैसे करें। तो पहले क्या होता था, एक पत्थर दिया 1 किलो आम ले लिया, एक पत्थर दिया लीची ले लिया, एक पत्थर दिया अंगूर ले लिया, बराबर 1-1 किलो ले लिया। अब इसने सोचा कि भाई राजा को तो लौटाना पड़ेगा, तो बोला 1 किलो की जगह 900 ग्राम देंगे। लीची 900 ग्राम देंगे, पहले 1 किलो देते थे, अंगूर 900 ग्राम देंगे, ऐसे करके चलता गया। सब लोगों ने फिर राजा को पैसा लौटा दिया, फिर कर्ज लिया 10% पे। तो अगले साल फिर हुआ, बोला भाई पैसा तो फिर लौटाना पड़ेगा ज़्यादा, तो एक काम करते हैं 800 ग्राम देते हैं। एक पत्थर दिया, पहले 1 किलो मिलता था कभी जब सोने का चिड़िया हुआ करता था, अब 800 ग्राम मिला सबको, 800 सब चीज़ 800 ग्राम। फिर सालों साल बीतता रहा, 5 साल के बाद पता चलता है कि अब एक पत्थर में 500 ग्राम अंगूर, 500 ग्राम आम, 500 ग्राम लीची मिल रहा है। अब एक परिवार ऐसा है जो खोपड़ी लगा के सोचता है भाई इतने में तो अपना पेट भरण होता नहीं है, हमको तो हर हाल में 1 kg ही चाहिए परिवार के जीवन यापन के लिए। तो 2 पत्थर बेचारे को देना पड़ रहा है, वो कमा के ला रहे हैं, उनको 2 पत्थर देना पड़ रहा है। पहले किसी ज़माने में 1 पत्थर में ही इसका परिवार चल रहा था, अब 2 पत्थर देना पड़ रहा है। अब सालों साल बीतता गया, अब उस 1 kg अंगूर के लिए 100 पत्थर देना पड़ रहा था। कभी ज़माने में 1 पत्थर में काम चल जाता था, अब 100 पत्थर देना पड़ रहा था। आज के डेट में भी देखेंगे 1 किलो आम खरीदने के लिए 100 रुपया देना पड़ता है। हमारे दादाजी परदादाजी कहते हैं कि 1 रुपया में 1 किलो आम लेते थे। तो चालबाजी यहाँ पे यह है, किसी एक का लालच, राजा का बेटा जो इसने कहा हम सबका बाप हैं, सडौन, एक आदमी का लालच, सबसे टॉप में जो एक आदमी को है उसका लालच पूरी दुनिया के लिए महंगाई का सबब बन गया है, पूरी दुनिया का। हम सब उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। अब टापू का सारा लोग राजा के लिए काम करते हैं, राजा को ब्याज जाएगा। पहले ऐसा था नहीं। तो ये महंगाई का चक्कर ना, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आएंगे, सब कुछ करेंगे, पर ये जो बात है ना, इसको समझने के लिए, जानने के लिए धूप में बैठिए, 700 ग्राम फल खाइए धीरे धीरे। बाहर की दुनिया में नहीं देखना है, अंदर झांकना है, अंदर घुसेंगे सोचेंगे तो चालबाजी समझ में आएगा कि ये महंगाई 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 क्या है। अभी फिर से एक गहराई में समझते हैं कि 10 लोगों को 100-100 पत्थर दिया, 10 ही लोग था मान लो टापू पे, वही 10 लोग था, 100-100 पत्थर दिया और बोला 110 पत्थर लौटाना है। तो इस 10 बंदे में आपस में कुछ ऐसा लेन देन करेंगे कि 110 राजा को लौटाना है। तो ये बेचारा ईमानदार है, इनोसेंट है, सत्य के रास्ते पे चलने वाला है। अब सबके पास 100-100 है, तो कुछ ऐसा चालबाजी करना पड़ेगा ये 9 लोगों को कि एक व्यक्ति का 10-10 सिक्का इसके पास, 10-10 पत्थर इसके पास आ जाए।
तो 10-10 पत्थर जब आ गया, 9 आदमी के पास 100 तो पहले से है, वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं 100 उसके पास है। अब ऐसा कुछ चालबाजी किया कि किसी ना किसी का हड़पने लगा, तो इस इनोसेंट बंदे का 10-10 पत्थर 9 आदमी के पास आ गया, तो 900 पहले से था ही, 90 किसी और का आ गया, तो 990 हो गया। राजा को 990 नौ लोग लौटा गया, उसको गोल्ड मेडल मिल गया, प्राइज भी मिल गया, अनाउंसमेंट भी हो गया, रिंग टोन टीवी मोबाइल सब पे पेपर पे छपने लगा कि ये 9 आदमी ईमानदार देश की तरक्की करने वाला ये वो ताम झाम सब हो गया। अब एक आदमी बेचारा, इसके पास 10 पत्थर ही बचा, क्योंकि 10-10 पत्थर तो 9 आदमी में बट गया, 100 पत्थर उसके पास भी था। अब इस बेचारे के पास 10 पत्थर बचा, इसने सोचा कि भाई ईमानदारी से सत्य के रास्ते पे चलेंगे, किसी को 1 किलो के बदले 900 ग्राम क्यों देंगे, किसी को 1 किलो के बदले 800 ग्राम क्यों देंगे, हमारे ज़माने से तो ऐसा चलते आ रहा है, एक पत्थर में 1 किलो आम, 1 किलो में 1 किलो अंगूर, एक पत्थर में 1 किलो अंगूर, तो सत्य के रास्ते पे चला कि भाई जैसे परमात्मा बनाया है ये दुनिया 10,000 साल पहले जैसे बनाया था, हम उसी रास्ते पे चलते रहेंगे। चलते तो रहा, चलते तो रहा, एक समय ऐसा आया कि इसके पूरे परिवार को एक साथ आत्महत्या करना पड़ गया, एक समय ऐसा आया कि इसके पूरे परिवार को एक साथ सामूहिक आत्महत्या करना पड़ा। तो जितने लोग वर्ल्ड में आत्महत्या कर रहे हैं ना, बोलते हैं ये कर लिया वो कर लिया किसान कर लिया, इसका मतलब वो प्योरा का पूरा ईमानदार था, सत्य के रास्ते पे चलने वाला था। लेकिन हम सब लोग जो बच गए, किसी में चालबाजी कम नहीं है, और भरपूर चालबाजी बना है, किससे ठग लूँ किससे ले लूँ कितना अमीर बन जाऊँ, पर जो जा रहा है वो सही रास्ते पे है। अब घर का सामान एक दिन ऐसा आएगा कि इस बेचारे का घर का सामान नीलाम होगा, क्यों, वही कर्जा, कर्जा क्या है ये कर्जा कर्जा, वो राजा को पैसा लौटाना है तो घर पे कर्ज लेना पड़ेगा। जितने लोग हैं किसान भाई लोग इसी तरह से लोन लिए हैं और सबका कर्जा कर्जा में चल रहा है। ऐसे में ना हिंदी जगत का एक गाना मुझे भी याद आ रहा है, चारों तरफ पहरा लगा है अफसरान का, ये वक्त है मेरे तुम्हारे इम्तहान का, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है। आज से 100 साल पहले दादा परदादा नाना नानी जैसे जीते थे, आज वैसे नहीं जी रहे, क्यों, किसी एक व्यक्ति का लालच सब पे हावी हो गया है। आपको इसी तरह या उसी तरह मच्छ फंड में कुछ और करना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, StarSIP.in जो हमने खोपड़ी लगा के वेबसाइट बनाया है वो लाइव हो चुका है, बिना लॉगिन किए हुए सारे फंड परफॉर्मेंस कैलकुलेटर ये सब सोचिए, और ये जो कहानी बताया इसके बारे में लोगों से पान खाइए चाय पीजिए चर्चा कीजिए, धीरे 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 चर्चा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, थैंक यू सो मच।